ऐसा है ना, अभी जो सुलभ स्कूल शेट्टी क्लब है, इसमें अभी 12 राज्य के बच्चे आए हुए हैं और करीब जो स्कूल है वो 32 स्कूल के बच्चे आए हैं। तो हम लोग का जो ये क्लब है ये 7 देशों में है और करीब करीब 150 ये जो अन्य जिला है उसमें है और बहुत से स्कूल्स में है। इस उद्देश्य यह है कि स्वच्छता का संवाद है, इसको सबसे अच्छा माध्यम कौन होगा पहुंचाने वाला, उसमें है जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक है, वो सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। इसी को चुन सोच करके मैंने आज से करीब 15 साल पहले हमने सुलभ स्कूल शेट्टी क्लब की स्थापना की और उसके माध्यम से अब स्वच्छता का, सफाई का ये सब संवाद जा रहा है। अब स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स, शौचालय की सफाई वही करते हैं, कोई बाहर से आदमी इसको साफ़ करने नहीं आता है। तो गांधी का सपना था ये और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है ये कि सफाई लो अपने करें लो। और उसमें क्या है कि हमारे यहाँ बनता है सैनिटरी नैपकिन लड़कियों के लिए, कि उनको समस्या हो जाए तो नैपकिन स्कूल में पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ जलाने का भी, इसका डिस्पोजल का भी इंतजाम किया हुआ है। तो स्कूल में पढ़ाते हैं स्वच्छता, हाइजीन, बेसिक एजुकेशन, एटीट्यूड बदलो, व्यवहार बदलो। तो बदलो कैसे जब चीज़ें नहीं है, तो उनको यदि महसूस हो रहा है कि नैपकिन चाहिए हमको, नैपकिन है ही नहीं है, तो फिर क्या बदल दिया, बदलाव होगा। तो स्लो स्कूल सेंटर्स क्लब जो है इसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब जो शौचालय चाहिए घरों में उसका ही प्रचार कर रहे हैं लोग, अपने गार्जियंस को भी कहते हैं कि शौचालय में घर में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी।